पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए 75 गणमान्य नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उज्जैन के जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सहायता केंद्र के सहायक चंद्रेश मंडलोई ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक मध्यस्थता योजना के तहत मध्यस्था का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शहर के करीब 70 से 75 गणमान्य नागरिकों को दिया जाएगा। यहां मध्यस्था का प्रशिक्षण लेने के बाद गणमान्य नागरिक विभिन्न ने पारिवारिक विवादों का निवारण कर सकेंगे। ये प्रशिक्षणार्थी सामुदायिक मध्यस्था केंद्र के माध्यम से समस्या का निराकरण करेंगे। मध्यस्थता योजना के अंतर्गत ऐसे सामाजिक व्यक्तियों को चिन्हित करना है जो कि मध्यस्थता का प्रशिक्षण लें और समाज मध्यस्थता केंद्र के स्थापित करने के साथ साथ वे समाज में जो पारिवारिक विवाद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, उनका निवारण कर सके। ऐसी ट्रेनिंग में ऐसे लोगों को खोजा जाएगा जो कि दूसरों को समझाइश देने में सक्षम हो और इस ट्रेनिंग को लेने के पश्चात में अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। जी, इस प्रकार की ट्रेनिंग राज्य मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये कल की बैठक आयोजित की गई। प्रारंभिक तौर पर करीबन विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभिन्न समुदायों से 70 से 75 गणमान्यों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें जिनके माध्यम से हम ऐसे लोगों तक पहुंच बनाएंगे जो सामुदायिक मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हो, इच्छुक हो और सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करने के लिए इच्छुक अपनी